दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू वेकअप अर्ली, कि सुबह जल्दी कैसे उठें। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जिन लोगों का लेट नाइट वर्क होता है, कभी आप ऑफिस से या फिर स्कूल से, मतलब आपका इवनिंग शिफ्ट है, या फिर आपको लेट नाइट ही पढ़ना है, मतलब आप 7-8 साल लेट नाइट पढ़ते हैं, तो इस टाइम आप अपने आप को चेंज मत करिए। लेकिन हाँ, एक हैबिट बिल्डअप करिए कि जितनी जल्दी आप सुबह उठ सकें वो ज़्यादा बेटर है। तो ये वीडियो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको, अगर आपका लेट नाइट का काम है और मैं आपको उससे डिटैच करके बोल रहा हूँ नहीं जल्दी उठो, तो ये गलत है। बट हाँ, अगर आप सीरियसली सुबह उठना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों, साथ में अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, खुद अपना एक वीडियो, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, या फिर ब्लॉगिंग की वीडियोस, टेक टिप्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स, सिलेबस डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, और दिए गए फोन नंबर पर आप सारी डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम सब ने ना बचपन में वो एक पोएम सुनी होगी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो इसके डिटेल में चलते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते, क्वेश्चन मार्क? उसका मेन रीजन पता है क्या है? कि प्रॉपर नींद नहीं मिलती, या फिर ठंड के टाइम में बहुत ज्यादा ठंड लगती है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के हिसाब से एक अडल्ट बॉय को 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, लेकिन ये लिमिट भी आपकी बॉडी और आपकी हैबिट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आप मेंटली वर्क करते हैं तो 6 घंटे भी चलेगा, लेकिन वहीं पे आप फिजिकली वर्क करते हैं तो 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सुबह आपका जब अलार्म बजता है तो उस टाइम आपको लगता है कि नहीं यार, थोड़ी सी और नींद चाहिए, थोड़ा और सो लेते हैं। इस टाइम पर 40% लोग रात के 12 बजे के बाद तक सोते हैं। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट कंक्लूजन तो यही है कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो नाइट में जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि अब मोबाइल का वो अलार्म क्लॉक भी ना आपको अच्छी नींद देता है। आप खुद जानते हैं कि सुबह सुबह आपका अलार्म क्लॉक बजते रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। चाहे आप बड़ी घड़ी ले आए जो क्रर की आवाज आए, तो ऐसा लगता है जैसे वो टाइम बॉम्ब उठ के बंद करने का मतलब हुआ, और जैसे बंद हो गया तो लगता है कोई टाइम बॉम्ब डिफ्यूज किया हो आपने। और दोस्तों, सेकेंड टिप्स है कि डोंट यूज योर फोन बिफोर स्लीपिंग। आजकल क्या होता है, हम फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, ये काफी टाइम तक यूज करते हैं, तो टीवी, फोन, लैपटॉप से निकलने वाली जो ब्लू लाइट्स आपकी बॉडी को एक मेंटेन हार्मोन्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप जब भी उसे यूज करते हैं तो कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि हाँ यार, थोड़ी आंखें भरी हो गई। वो एक्चुअली आपकी बॉडी को, बॉडी की जो रूटीन है ना, उसको समझ लेता है, और वहां पे वो फिर आपकी आंखें थोड़ी भारी भारी सी होने लगती हैं, तो आपको लगता है यार थोड़ी नींद आ रही है मुझे। और ये प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट होती हैं कि जो लाइट्स होती हैं वो आपके सेम उसी हार्मोन्स को धीरे धीरे कम करती जाती हैं, जिसकी वजह से आपको लेट नींद आती है। मतलब वो जो लाइट्स हैं वो फिर धीरे धीरे नींद नहीं आने देती। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सोने से पहले आपको एक चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो है फ़ोन, लैपटॉप, टीवी। आधे घंटे पहले एटलीस्ट ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। और एक जनरल परसेप्शन है, जब भी आप बेड पे जाते हैं तो फ़ोन देखने लगते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें देखने लगते हैं, और फिर देखते देखते आधा घंटा 45 मिनट तक निकल जाता है, और आपको लगता है अरे यार, आज फिर टाइम वेस्ट कर दिया, चल नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। फेसबुक अपना, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारी चीज़ें उतना ही यूज़ करिए जितना वो फेसबुक पे पोस्टिंग, एंड देन दिन के 2-3 बार चेकआउट कर लिया। ये चीज़ को एक टाइम बांधिए, यानी कि टाइम पास कर रहे हैं, खुद भी लग रहा है कि यार कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे। और दोस्तों, नेक्स्ट है कि कुछ भी चीज़ करने का ना एक मोटो होता है। तो अपना एक थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट व्हाई यू वांट टू वेक अप अर्ली एंड व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट वेक अप अर्ली, कि आपको सुबह क्यों उठना है, और सुबह नहीं उठेंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये जब तक आप अपने सामने नहीं लिखेंगे ना, तब तक आप कोई भी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। आपको याद होगा अपना क्रिकेट होता था, मतलब सुबह स्कूल जाना है, रहे यार थकान हो, और सुबह 6:30 बजे कौन उठ रहा है, रजाई बार बार उठ रहे, लेकिन वहीं पे संडे का मैच, सुबह 5 बजे से नींद खुली हुई है, नींद ही नहीं आ रही पहली बात तो नाइट में। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम एक आपका पर्पस है कि वाई यू वॉन्ट टू वेक अप अर्ली, कि सुबह उठना क्यों है। तो दोस्त, सिंपल, आपको एक सॉलिड रीजन तो चाहिए कि सुबह क्यों उठना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड, एक चीज़ और माइंड में रखिए कि अगर आप सुबह नहीं उठते हैं तो आप क्या लॉस कर जाते हैं। अगर वो चीज़ आप 3-4 बार एवरी डे सोचेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सुबह आप उठने लगेंगे। और कहते हैं घड़ी की अलार्म क्लॉक से आपकी बॉडी की अलार्म क्लॉक सबसे ज़्यादा साउंड करती है। तो अगर आप डे बाय डे फिक्स टाइम पे उठेंगे सुबह सुबह, तो हर बार आपकी नींद विदाउट फोन, विदाउट आपकी अलार्म क्लॉक से पहले ही खुल जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचो, देखो, आप एज अ स्टूडेंट, अगर आप मान लीजिए सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या, पढ़ने के बाद अगर मैं पढ़ लूंगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा, और नहीं पढ़ूंगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। सोने से पहले 4-5 बार अपने माइंड में चीज लाइक जरूर डालिए,
और एक चीज आपने कॉमन देखा होगा एज ए स्टूडेंट या प्रोफेशनल, हमेशा हम ना जब बेड पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि चल यार अभी लाइक 2 बजे सो रहा हूँ, 6 घंटे की नींद लेनी है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 सुबह 8 बजे उठ जाऊंगा। आप ये सोच के अगर जाएंगे ना कि हाँ यार 6 घंटे की नींद लेनी है और इतने बजे सोने जा रहा हूँ तो 6 घंटे या 7 घंटे इतने टाइम बाद होता है, तो ये गारंटी है कि आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि एक मोटो होना चाहिए, ये एक जनरल परसेप्शन है कि 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका मोटो, आपको सुबह उठना कितने बजे। अब देखिए इससे भी एक सेट है, ये मैं आपको एक नया ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप सुबह चाहे सोए कितने बजे लेकिन सुबह अगर आप एक एग्जैक्ट टाइम पे उठते हैं ना, तो वो चीज़ वहां पे जाके धीरे धीरे आपको फिर नींद भी पहले आएगी, जल्दी आएगी और आप अपने टाइम पे ही उठेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आई थिंक ये लाइक बेस्ट तरीका है कि चाहे कभी भी सोएं, एक फिक्स टाइम पे उठना है तो आपको नींद भी जल्दी आएगी। और दोस्तों नेक्स्ट है कि गेट एक्साइटेड। हमेशा ना आपको याद है कि जब आप लाइक यू नो छोटे थे और आपको नेक्स्ट डे पिकनिक पे जाना होता है तो किस तरह की वो एक्साइटेड होती है, रात भर नींद नहीं आ रही, बार बार घड़ी की तरफ देखना कि अरे यार सुबह कब होगा, सुबह कब होगा, और मॉम डैड बार बार कहते थे चलो सो जाओ, चलो सो क्यों नहीं रहे तुम लोग, और वो नींद कहाँ आने वाली है। सुबह चाहे लेट कितना भी देर सोते थे आप, लेकिन सुबह एग्जैक्ट करेक्ट टाइम पे अपने आप उठ जाते थे, देखते थे अरे मम्मी उठ के खाना बना रही है, रेडी हो रही है, तुम भी उठ जाते थे एकदम से। और साथ में मैं एक नेक्स्ट स्टेप ये देना चाहूँगा, लाइक बहुत टाइम ऐसा क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हैं ना तो रिग्रेट करते हैं, अरे यार लाइफ में ये सब चीज़ अचीव करना है, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं अचीवमेंट में। तो इसका एक सिंपल तरीका एक ये भी है कि उस टाइम कुछ चीज़ों को आप रूटीन में बना लीजिए। जैसे सुबह उठ के मुझे लाइक अपना एक्सरसाइज करना ही करना है, सुबह उठ के मुझे आउटिंग पे जाना ही जाना है, सुबह उठ के मुझे 3-4 फ्रेंड्स से तो मिलना ही मिलना है, सुबह उठ के मुझे अपने लाइक गार्डन में घूमना है, वहाँ पौधों में पानी देना है, बर्ड्स के साथ खेलना है, व्हाटएवर, कुछ भी एक ऐसा एक अपना हैबिट बिल्डअप कर लीजिए जिससे आपका स्ट्रेस आउट कम होगा। और एक चीज़ फिर से कहूँगा यार, फिर से बच्चे बन जाओ, यू नो स्कूल के वो दिन, मम्मी का वो सुला देना, सुबह अपने आप उठ जाना, रेडी होना, नहीं जाऊंगा, स्कूल जाना, फिर आना, फिर खेलना, फिर जल्दी सो जाना, सारे काम उस टाइम भी तो हो जाते थे, ऐसा तो नहीं था कि वो काम नहीं होता था। तो क्यों ना थोड़ा सा बचपना लाइए, ज़्यादा स्ट्रेट आउट मत लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो करना है क्या करना है सबको उसी टाइम के अंडर में करिए और जल्दी सोने की आदत डालिए। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ यार लाइफ भी थोड़ी ईजी है, ज़्यादा मतलब जागने से आप ज़्यादा अचीव नहीं कर लेंगे, लेकिन हाँ एक प्रॉपर नींद ले लेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट 5th टिप्स है कि कीप योर अलार्म क्लॉक एंड फोन अ लिटिल फार फ्रॉम बेड। मतलब आप अपने बेड से जो आपका अलार्म क्लॉक है वो थोड़ा दूर रखिए कि जाके उठ के ही बंद करना पड़े। फोन इतना भी दूर मत रखिए कि टिंग 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 और आपको नींद दिला दे, मतलब एटलीस्ट इतना रखिए कि आवाज़ आए। मैं तो कहूँगा कि मोबाइल फ़ोन तो अवॉइड करिए, एक घड़ी रखिए वहाँ पे जिससे आप लाइक उसमें बहुत क्रर की आवाज़ आती है जिससे आप बहुत ईजिली जाके मतलब उठें और बंद करने के बाद थोड़ा सा वहीं से वॉशरूम की तरफ निकल लें। तो ये चीज़ ज़्यादा रखी क्योंकि पास में रखने का मतलब हाथ मारना और फिर से सो जाने के बराबर है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टिप्स दूंगा कि ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर। सोने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के सोइए, इससे 2-3 चीज़ें होगी क्योंकि जो आपका एक ना माइंड बहुत स्ट्रेस रहता है तो पानी से वो रिलैक्स होता है। कहते हैं ना माइंड जब हैंग करे ना तो पानी पी लिया करो, पानी जो है ना वो माइंड को हैंग को रोकता है, मतलब जब आपका सर्वर कहीं घूम रहा हो तो पानी पी लीजिए वहाँ पे। तो वाटर जो है वो सोने से पहले आप एटलीस्ट पानी ज़रूर पी के सोइए, अच्छा खासा पानी पी लीजिए और उसके बाद नींद लीजिए। शुरू में मुझे पता है अगर आप लेट नाइट हैबिचुअल हैं तो जितना भी हो एक फिक्स टाइम मान लीजिए मुझे इतने टाइम उठना है, नेक्स्ट डे थोड़ा नींद आएगा, जल्दी जल्दी सो जाइए। काम का इतना प्रेशर सुबह से शाम तक मत आने दीजिए कि लगे यार ये तो बहुत प्रेशर आउट हो गया, मुझे तो एक काम करना ही था। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए और आई थिंक आप ये कर पाएंगे। और नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूँगा कि मेडिटेट अपने आप को जरूर रखिए। मेडिटेशन एक ऐसा पार्ट है जो यू नो इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 4% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं अप्रॉक्स। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में क्योंकि ये ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन इन सब चीज़ों को कम करती है। क्योंकि कभी आपको एग्जामिनेशन का टेंशन, कभी गर्लफ्रेंड का टेंशन, कभी फेल होने का टेंशन, कभी अच्छे मार्क्स ना आने का टेंशन, कभी कुछ सामान खरीदने का टेंशन, कभी कुछ टूट डालने का टेंशन, बहुत सी चीज़ों का हमारे पास टेंशन ही टेंशन रहता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई सवाल है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो मेरा अर्न डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो मैं एक गिव अवे भी कर रहा हूँ, तो वहाँ फॉलो करिए और किसी भी कमेंट में सपोर्ट लिख सकते हैं। और अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स भी, और साथ में मेरा जो दूसरा चैनल है वी मेक क्रिएटर्स, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में,
आप उसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे मैं ऐसी ही वीडियोस यूट्यूब से रिलेटेड बनाता रहता हूं, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।